गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको उर्दू टीचर नईम बरकत, लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर मसरूर चिल्ड्रन एकेडमी। इससे पहले वाली क्लिप में हमने हरूफ तहजी लिखना सीखा था और यहाँ देखिए अ ग तक हमने हरूफ बनाए थे। इसके बाद हम देखेंगे फ कैसे लिखना है। फ लिखते वक्त हमने इसको गोल बनाना है और ये किनारा सीधा रखना है। फ और नुक्तों वाला काफ गोल कीजिए, दायरा नीचे लेके जाएंगे और इसको लाइन से ऊपर लेकर आए, ये आधा नीचे जाएगा। क मरकज वाला क, डंडी वाला काफ कैसे बनाना है, स्ट्रेट वन और इसके साथ कश्तीनुमा शक्ल बनाएं और एक डंडी ऊपर से नीचे ले जाएं तो ये क बन जाएगा। फिर देखिए ग के लिए इसी तरह स्ट्रेट वन बनाएं और कश्ती बनाएं और ऊपर से नीचे आप एक डंडी लगाएंगे, फिर दूसरी डंडी दोबारा से फिर ऊपर से नीचे आएगी, ये ग। ल के लिए स्ट्रेट वन और गोल बनाएं, दायरा नीचे जाएगा लाइन से। म के लिए स्ट्रेट वन बनाएं और यहां से आप नीचे ले जाएं म। न के लिए यूं गोल करें और दायरा नीचे जाएगा और नुक्ता लाइन पर लगाएं न। और ह के लिए गोल कीजिएगा और यहां से नीचे ले जाकर ऊपर हम जोड़ देंगे। अब गौर से देखिए जो हरूफ सीखे हैं, इस किनारे को हमने टेढ़ा बनाना है यहां से और दूसरे वाले किनारे को सीधा रखना है और नुक्ते जो हैं हमने गोल नहीं बनाने, एक तिरछे नुक्ते लगाने हैं। यहां देखिए नुक्ते कैसे लगे हैं, इस तरह प देखिएगा, पहले ये नुक्ता, फिर दूसरा नुक्ता, फिर तीसरा नुक्ता नीचे वाला। पहला किनारा टेढ़ा है, दूसरा किनारा सीधा रखना है। तमाम कश्ती नुमा हरूफ ऐसे बनाए जाएंगे। ज के लिए हमने सीखा ज का आधा दायरा सतर से नीचे बनाएंगे और ये लाइन तक होगा और नुक्ता लाइन के ऊपर लगाएंगे। ज च ह ख। द के लिए ऊपर से हमने गोल करना है और नीचे वाले किनारे को थोड़ा सा बड़ा बनाना है और ये लाइन तक होगा, लाइन से नीचे नहीं जाएगा। द ड ज र सीधा बनाने के बाद इसको टर्न किया और ये लाइन तक होगा, लाइन से नीचे ना जाए। र ड ज य सीन के लिए जिसकी आवाज स है, आपने दो गोल दायरे बनाने हैं जिसको हम